मॉड्यूल 23 इनोवेशन एंड मार्केट कंपटीशन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कम्पर अभी देखिए इधर इनोवेशन है इधर मार्केट कंपटीशन है इधर मार्केट के मैकेजम अलग है इंडोजनस कंपटीशन हो सकता है इसके अंदर बाकी कॉम्पिटिशन हो सकते हैं स्टमुलेटिंग कॉम्पिटिशन हो सकते बाकी चीज़ों के अगर मैं आसानी से आपके थोड़ा मार्जिनल कॉम्पिटिशन हो तो सकता है तो तो नॉर्मली मार्केट प्राइस पर लड़ती अब उस प्राइस के ऊपर लड़ते लड़ने के लिए वो उसके आपने कर्व सुने मार्जिनल कर्व्स होते हैं आपके डायनेमिक कर्व्स होते हैं और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो है वो ब्रेक इवन से ऊपर जाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आपकी सारी फाइट होती है जिसको मैंने रेड ओशन भी कहा अच्छा स्टूडेंट्स के लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा क्योंकि एम एस कर रहे हैं और एम एस से आगे जाना चाहते हैं तो रेड ओशन और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के मुख्तलिफ नोट्स को भी कंसिडर करेंटरप्रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों चीजों को समझना मैं बाकी के बारे में बात, मैं बात करूंगा लेकिन बेसिकली अभी जो है वो दो लेकिन अभी हमारा पॉइंट यह है कि इनोवेशन क्या है और मार्केट कॉम्पिटिशन क्या इलेवेंट कैसे कर सकता अजीबो गरीब बात है बाटा और सर्विस की मार्केट को इलेवेंट करता कैसे अब पॉइंट ये है कि मैं दोनों की कंपटीशन है प्राइस एक है आ, उनके सेगमेंट्स एक हैं वेरिएंट्स एक हैं उनका प्रोडक्ट लाइन एक है डेप्थ वर्थ एक जैसी है जिस तरह का डिज़ाइन उन्होंने दिया उससे मिलता जुलता डिज़ाइन उसने दे देना है दो गाड़ियों के बारे में अगर बात करें पाकिस्तान में नॉर्मल है अच्छा दो प्रोडक्ट्स आमतौर पर कंपटीशन में रहती अच्छा जैसे ही उसका डिज़ाइन उस वेरिएंट में हुआ यानी चालीस लाख का एक प्रोडक्ट है गाड़ी का तो दूसरा भी चालीस लाख का है। उन दोनों के अंदर कॉम्पिटिशन क्या होगा क्रोजमेटिक किस में उसके अंदर एप्लीकेशन कितनी है कितना डिज़ाइन है डायनामिक उसके जो एरोडायनामिक्स हैं वो कैसे हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसे हैं व्हील बैलेंसिंग कैसे हैं और फिर आप लोगों ने सुना होगा कि ये अच्छा अब यहाँ पे आप कहेंगे कि इनोवेशन कहाँ पे आ गई इनोवेशन तो कंपटीशन में भी है मसना दो प्रोडक्ट का मैं बारे में बात कर रहा हूँ एक की गाड़ी के बारे में कहा कि ये जो गाड़ी है फलां वाली ये देहातों के अंदर धक्कों के अंदर यानी ये परसेप्शन बन गई कि वो ठीक से चलती और वो चलती भी दूसरी प्रोडक्ट के बारे में कहा कि ये स्मूथ रोड्स की गाड़ी है यानी इसके अंदर आपको ईज है स्मूथनेस है लेकिन ये बाकी धक्का और जो बड़े बड़े खड्डे होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते ये परसेप्शन नहीं है बल्कि फंक्शनैलिटी भी है यानी इसका मतलब प्रोडक्ट के अंदर वो फंक्शनैलिटी नहीं रखी गई गाड़ी थोड़ी नीची है नीचे से लगेगी सो so, अब आप ये कहेंगे इसका मतलब इनोवेशन नहीं है मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता जितनी कम्पटिटिव मार्केट भी है वो भी आपस में कंपटीशन तो करती है लेकिन कम्पटिशन uh, जो है बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स होते हैं या टू रूटीन्स होते हैं जैसे शम्प्यूटर साहब ने भी कहा लेकिन इनोवेशन जो है वो तीसरे दर्जे की जब हम लेकर आते हैं वो कैसे आती वो ही आती है कि आपने उन तीनों को इेलिवेंट कर यानी दो कंपटीशन है या तीन कंपटीशन है इन तीन कंपटीशन को मैं इेलिवेंट करके चौथी एक ऐसी चीज लेकर आ जाता हूं जिसके अंदर उसी प्राइस के अंदर मैं आपको नए फीचर्स दे देता हूं मैं आपको आ, बे, बेहतर ड्राइव दे, दे देता हूं बेहतर आपको सेंसर्स दे, दे देता हूं मैं उसके अंदर इतने सेंसर्स दे, दे देता हूं वो वेरिएंट जो है वो मार्केट के अंदर एक नई मार्केट को डेवलप कर देगा और दो प्रोडक्ट का कंपटीशन इेलिवेंट हो जाए कि अगर मैं तीसरे में कम प्राइस में लेकर प्रोडक्ट के सामने आ गया मार्केट को इवेंट करने वाली चीज को इनोवेशन कहते आप इस चीज को जहनशीन कर लीजिए मार्केट को इंट करने वाली किसी भी चीज को इनोवेशन कहते हैं ना लेकिन अगर आप ये कहेंगे मार्केट कंपटीशन के अंदर इनोवेशन नहीं होता अब ये इरेवेंट हो गया पहले आप दो चीजों को अलग कर सकते थे अब मैं दूध को और उसके अंदर बाकी चीजों को मिलाकर दही से अलग नहीं कर सकता यानी मैं एक लस्सी की अलग से प्रोडक्ट नहीं बना सकता अभी पॉइंट ये है कि जहां जहां कंपटीशन भी होता है वहां पर भी इनोवेशन है लेकिन इनोवेशन इन सेल्फ जिसको मैं कह रहा हूं वो ये है कि इन तीनों को दोनों कॉम्पिटिशन को अगर मैंने इवेंट करना है तो मुझे तीसरी एक और प्रोडक्ट जो कि इनोवेटिव होगी फिर प्लस उसके अंदर मार्केट भी होगी प्रोडक्ट भी होगा रिसोर्स भी होगा रिसोर्स एलोकेशन भी होगा और रिसोर्स बेस्ड व्यू भी होगा कंप्यूटर इनोवेशन चेंज द मार्केट स्ट्रक्चर न्यू मार्केट्स इंटरनेशनल एक्सपेंशन रेवलरी फ्रॉम दंपेटेटिव टू द क्रिएट न्यू मार्केट डायनामिक्स आप एक्सपेंशन में चले जाते हैं हमने अब तक मार्केट की क्लैरिटी दे ली मैंने फिर से बता रहा हूं कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन या राइवलरी या ओल्ड फैशन से न्यू फैशन ये तो है ही है इनोवेशन और मार्केट कंपटीशन में ये ना समझिएगा कि मार्केट कंपटीशन uh, में इनोवेशन बिल्कुल नहीं होती ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का कॉन्सेप्ट नहीं है अब इनोवेशन होती है लेकिन तीसरी अगर आपने इनोवेशन लानी है तो दैट इज कॉल्ड ब्लू ओशन उसका आइडिया डिफरेंट हो जाता है थैंक यू वेरी मच टिल नाउ